हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी ये देख सकते हैं, लाल कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर दोस्तों आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये दोस्तों बाजू में घंटे का निशान है, इसको भी दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप जीमेल अकाउंट को परमानेंटली, मतलब कि हमेशा के लिए, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जौन सा अकाउंट हमको डिलीट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं ये वाला अकाउंट, इसे मुझे करना है डिलीट। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल अकाउंट हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम यानी कि ओपन कर लीजिए। और वहाँ पे दोस्तों आपको क्या डालना है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम। ठीक है, तो आपको यानी कि ये डालना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह का, यानी कि आपको ये मेनू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये डिलीट अकाउंट, ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये आ रहा है डिलीट ये गूगल सर्विस, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, सिर्फ सर्विस डिलीट होगी। और यदि आपका जीमेल अकाउंट पूरी तरह से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहां से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको डाटा चाहिए, आपके पास जो डाटा है वो यानी कि आपको डाउनलोड करना, तो आप यहाँ से डाटा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट यूवर गूगल अकाउंट, ओके, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत सी जानकारी लिखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से दो यानी कि आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, आप इस पर यानी कि क्लिक कर दीजिए, राइट का निशान आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, तो यहाँ से दोस्तों आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो अब दोस्तों मैं आपको यहां से बता देना चाहता हूं, तो यहां से आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ कि ये गूगल अकाउंट आपका हमेशा के लिए दोस्तों डिलीट हो चुका है। पर दोस्तों यदि आप अभी जीमेल से यदि लॉगिन करते हैं तो आपका जो अकाउंट है यानी कि रिकवर हो जाएगा, फिर से यानी कि आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपका हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो दोस्तों इसमें कम से कम एक महीने तक दोस्तों आप ये जीमेल अकाउंट को लॉगिन ना करें। यदि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका ये जीमेल अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। यदि आप लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोस्तों गूगल के द्वारा जानकारी दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन जीमेल अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट हैं और आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।